भारत में शुक्रवार को कोरोना के 243 नए मामले आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,46,78,158 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,30,699 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि दैनिक संक्रमण दर 0.11% है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.16% है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,13,080 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.80% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में इलाज करा रहा मरीजों की संख्या में 57 की वृद्धि हुई है। बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,43,850 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19% पर बनी हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक 220.09 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। चीन में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए भारत में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही कि अगले 40 दिन भारत में कोविड-19 मामलों के फिर से बढ़ने की संभावना है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।